हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नेबरहुड का टॉपिक, क्लास वन का ईवीएस का। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप किस तरह से बच्चों को नेबरहुड के बारे में बता सकते हैं, क्लास वन के बच्चों को उनको क्या क्या चीजें बता सकते हैं इसमें। द प्लेसेज नियर आर होम्स मेकअप आर नेबरहुड, जो हमारे घर के आगे पीछे की आसपास की जगहें होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं, नेबरहुड बनाती हैं। देर आर मेनी पीपल एंड प्लेसेज इन आर नेबरहुड, हमारे घर के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारी जगहें होती हैं जिनको हम नेबरहुड कहते हैं। वी शुड नो आर नेबरहुड वेल, हमें अपने घर आगे पीछे नेबरहुड के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पीपल हु लिव इन आर नेबरहुड आर कॉल्ड आर नेबर्स, जो हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेबर्स कहते हैं। उसके बाद हम बच्चों को इस तरह से पिक्चर बताएंगे। नेम एंड पिक्चर ऑफ सम प्लेसेस इन योर नेबरहुड आर गिवन बिलो, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पिक्चर बताई गई हैं जो हमारे नेबरहुड में जगहें या प्लेसेस हो सकती हैं। इस तरह से हमारे आगे पीछे हमारे घर के आसपास में मार्केट प्लेस हो सकती है, जहां पर हम वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी ग्रोसरी आइटम खरीदने के लिए जा सकते हैं। स्कूल होता है जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। हॉस्पिटल होता है, अगर कोई बीमार पड़ जाए वहां पर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में हम जा सकते हैं अपनी लेटर्स या पार्सल को कलेक्ट करने के लिए। पुलिस स्टेशन होता है जो हमारी हेल्प के लिए हमारे घर के आसपास बना हुआ होता है। उसके बाद पार्क होता है, पार्क में बच्चे खेलने के लिए जा सकते हैं। इस तरह से हम इन नेबरहुड प्लेसेस के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। जहां जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वही यहां पर इस तरह से दी गई है कि लेट अस विजिट द प्लेसेस इन आर नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मार्केट, पीपल बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ग्रोसरी आइटम एट द मार्केट, स्कूल, चिल्ड्रन अटेंड अ स्कूल इन द नेबरहुड, दे लर्न मेनी थिंग्स एट स्कूल, हॉस्पिटल, देर आर मेनी डॉक्टर एंड नर्सेज इन द हॉस्पिटल, दे लुक आफ्टर सिक पीपल, पोस्ट ऑफिस, वी बाय एनवेलप स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड एट द पोस्ट ऑफिस, द पोस्टमैन ब्रिंग अस लेटर पार्सल्स, पुलिस स्टेशन, द पुलिस स्टेशन इज द ऑफिस ऑफ द पुलिस, द पुलिस हेल्प अस टू कीप अस नेबरहुड सेफ, प्लेसेज ऑफ वर्शिप, पीपल गो टू प्रे इन प्लेसेज ऑफ वर्शिप इन द नेबरहुड। अब प्लेसेज ऑफ वर्शिप के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है कि लोग जो हैं अपने जो पूजा करने के लिए अपने आस पड़ोस की जगहों पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कुछ लोग टेम्पल में जाते हैं, कुछ लोग चर्चेज में जाते हैं, कुछ मॉस्क में जाते हैं और कुछ लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। उसके बाद इस तरह की पिक्चर्स बता के बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है कि यहाँ पर टेम्पल, ये टेम्पल होता है, ये चर्च, ये मॉस्क एंड ये गुरुद्वारा होता है। उसके बाद भी बच्चों को बी ए गुड नेबर के बारे में कुछ बताया जाता है। वी शुड बी पोलाइट टू अवर नेबर, हमें अपने नेबर के साथ पोलाइट रहना चाहिए। वी मस्ट नॉट टेक अ नॉइस और डिस्टर्ब आर नेबर, हमें अपने पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहिए। वी मस्ट हेल्प आर नेबर, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो कीप आर नेबरहुड क्लीन, और हमें अपने नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए। उसके बाद हम बच्चों को एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर अगर बच्चों को अच्छी तरह से बच्चे ने लेसन रीड किया है तो वो एक्सरसाइज में इनके आंसर्स खुद से देगा। टेम्पल इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप, एम्यूजमेंट, स्टडी, आंसर इज वर्शिप। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू डैश मेनी थिंग्स, टॉक अबाउट, लर्न और फाइट, लर्न। द पुलिस स्टेशन इज द ऑफिस ऑफ द डॉक्टर, फायर फाइटर, पुलिस, पुलिस। वाई डू वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स। होम डू वी प्रे डेली, होम डू वी प्रे डेली, वी प्रे टू गॉड डेली, सर्कल द ऑड वन आउट। इस तरह से यहाँ पर बच्चे को ऑड नेम जो है उसको सर्कल करना है, गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क, हॉस्पिटल, इनमें से जो अलग है ऑड है हॉस्पिटल उसको हम सर्कल करेंगे, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, एरोप्लेन को सर्कल करेंगे क्योंकि दिस इज ऑड, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, ये तीनों स्टेशन है उनको, इनमें से चर्च को हम ऑड को सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैचिंग आ जाती है, वेयर वुड यू गो फॉर द फॉलोइंग, ड्रॉ लाइन्स टू मैच करेक्टली, टू बाय स्टैम्प्स खरीदने के लिए बच्चे कहाँ पर जा सकते हैं हम, पोस्ट ऑफिस, टू बाय वेजिटेबल, वेजिटेबल खरीदने के लिए मार्केट, टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल, टू स्टडी, स्टडी करने के लिए हम स्कूल में जा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, व्हाट मेक्स अप आवर नेबरहुड, हमने जैसे कि स्टार्टिंग में ही रीड किया था कि नेबरहुड कैसे बनता है, द प्लेसेज नियर आर होम्स मेकअप, द प्लेसेज नियर आर होम मेकअप आर नेबरहुड। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम सम प्लेसेज फाउंड इन आर नेबरहुड, जो हमारे नेबरहुड में प्लेसेज होती है उनके नेम बता सकते हैं हम। इस तरह से मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, हम चाहे तो हम इनमें टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, इस तरह से इनके नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, राइट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज, आपके अगर आसपास के पुलिस स्टेशन का, हॉस्पिटल का या मेडिकल शॉप का आपको नंबर पता है या आपके बच्चे को, तो आप उस तरह से उसको यहाँ पर लिखने के लिए भी बोल सकते हैं।
तो फ्रेंड इस तरह से हम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप अपने बच्चों को करवा सके। मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी है अपने लिए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।